छिनैती लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 10 शातिर बदमाशों को लूट के 10 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 10 अभियुक्तों में 4 बाल अपचारी शामिल हैं। गिरफ्तार 6 अभियुक्तों की पहचान तिवारीपुर थाना क्षेत्र के आनंद कुमार पुत्र वीरेंद्र प्रसाद, चंदन गुप्त, सुधांशु घोष, मोहित कुमार पुत्र मनोज कुमार, साहिल सिद्दीकी पुत्र अब्दुल कलाम, अजय गुप्ता पुत्र राम नरेश के रूप में हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त तिवारीपुर तथा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लोगों से मोबाइल की छिनैती करते थे। अक्सर ये बाल अपचारी भीड़ भाड़ इलाके में लोगों को झांसा देकर लोगों का मोबाइल उड़ा देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट के 10 मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया। थाना चिल्वाताल में कुल 10 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें 6 जो लोग हैं वो उनके द्वारा मोबाइल फ़ोन छिनैती और उसको बेचना कम दामों पर, इस तरह की घटनाएं कारित की जाती थी। इसमें जो 4 लोग हैं वो बाल अभिचारी हैं, तो उनको बाल न्यायालय भेजा जा रहा है। बाकी जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और अभी इनका पता किया जा रहा है कि और कहाँ ये मोबाइल फ़ोन को छीन कर बेचते थे, या मोबाइल फ़ोन और जो उन्होंने छीने उसकी भी तस्दीक की जा रही है। मोबाइल ये थाना तिवारीपुर गोरखनाथ जो इनका क्षेत्र है, यहाँ पर जो राहगीर मोबाइल फ़ोन लेके बातें करते हुए चल रहा है फ़ोन, उसका फ़ोन छीन कर और उसके बाद उसको कम दाम पे अन्य लड़कों को भेज देते हैं। भीड़भाड़ इलाके में, हाँ, जो भीड़भाड़ के इलाके से गोरखनाथ तिवारीपुर जहाँ पर भीड़भाड़ अक्सर होती है बाजारों में, वहाँ पर ये फ़ोन छीनती अंजाम देते हैं। हाँ, इसमें बाल अपचारी भी हैं, तो उनको सीधे जो उसकी जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको भेजे जा रहे हैं। ये जो उनको जो महंगे फ़ोन हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, उनको रखने का शौक था, तो जो ये फ़ोन छीन कर और उसको जो सस्ते दाम पे 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये में ये बेच देते हैं। क्योंकि इनका जो ग्रुप है यंग लड़कों का ग्रुप है, तो उसी में आपस में मोबाइल फ़ोन छीन कर आपस में ही एक दूसरे को बेच देते हैं।